हेलो गाइस, कुक विद प्रभा में है आपका स्वागत। आज हम लेके आए हैं ऐसी छोले की रेसिपी जो कि आप रेस्टोरेंट में ही खाते हैं, घर पे यूजुअली बनाने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आज इस वीडियो में आप सीखेंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे छोले घर पे बनाने का आसान तरीका। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, फटाफट से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, ताकि ऐसे ही ब्रेकफास्ट और डिनर लंच की रेसिपीज़ आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए हम करते हैं इस छोले को बनाना स्टार्ट। छोला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 200 ग्राम मटर भिगा के रखा था ओवरनाइट, और ये काफ़ी अच्छे से फूल चुके हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये काफ़ी अच्छे से फूल के देखिए बड़े हो गए हैं। तो बिल्कुल इस तरीके हमें पहले मटर भिगा लेना है। तो अब तो इसको हम कुकर में डाल के 5 से 6 सीटी लगा देंगे और अच्छे से पका लेंगे इसको। तो अभी हमने कुकर को उतार लिया है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। हमने इसको बिल्कुल अच्छे से बॉईल कर लिया है, ये देखिए, मैं दिखाती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे से मैश हो रहा है। तो ये अच्छे से उबल चुका है, अभी हम इसको साइड में रखेंगे। तो ये मैंने इतना सारा प्याज ले लिया है, इसको हम छील के कट कर लेंगे। और ये मैंने लहसुन भी घिस लिया है, और ये अदरक भी मैंने ले लिया है, इसको भी हम क्रश कर लेंगे, छील लेंगे मतलब। और फिर इन सारी चीज़ों को हम ग्राइंडिंग जार में डाल के इनका पेस्ट बना लेंगे। देखिए, हमने पेस्ट बना लिया है सारी चीज़ों का। तो सारी चीज़ों में मैंने क्या क्या डाला था आपको अच्छे से याद है या नहीं मैं बता दूं। प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्ची। मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में प्याज अदरक और लहसुन दिखाया था, बट यहाँ पर हमने थोड़ी सी हरी मिर्ची भी मिक्स कर ली थी पेस्ट बनाते वक्त। तो अभी मैंने कढ़ाई रख ली है गैस पर, और ये बिल्कुल गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे ऑयल। तो अभी तेल बिल्कुल गर्म है, इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, और अब हम डालेंगे थोड़ा सा हींग पाउडर, अभी हम डालेंगे इसमें पेस्ट जो हमने बनाया था, और अभी हम इसको तब तक चलाएंगे जब तक कि ये बिल्कुल रेड होके कढ़ाई को छोड़ने नहीं लगता। बिल्कुल इस तरीके हम इसको चलाते रहेंगे थोड़ी देर तक। दोस्तों, आज ये छोले की रेसिपी मैं इतने इजीली आपको बताने वाली हूँ ना, कि आज के बाद छोला बनाना तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी आप छोला घर पे बना सकते हैं सिर्फ कुछ ही मिनट्स में। तो बिल्कुल इस तरीके हम इसको चलाते रहेंगे। तो चलाते चलाते आप देख सकते हैं ये कढ़ाई छोड़ने लगा है, मतलब एक जगह इकट्ठा होने लगा है। तो अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर अच्छे कलर के लिए। अभी हम इसको अच्छे से चला लेंगे बिल्कुल इस तरीके। अभी हम इसमें डालेंगे गरम मसाला जो कि हमने घोल लिया था, मतलब पानी डाल के उसका घोल बना लिया था। तो इसको भी हम अच्छे से चलाएंगे बिल्कुल इस तरीके, अच्छे से चलाएंगे इसको, मतलब भूनेंगे अच्छे से। तो इसको भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा टमाटर, मैंने एक टमाटर कट कर लिया था बारीक, तो मैंने डाल लिया है। अब हम अच्छे से चला के इसको भी मिक्स कर लेंगे इसमें। आप चाहें तो टमाटो प्यूरी बना के भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी तो टमाटर बहुत ही ज़्यादा हाई रेट पे है, तो मैंने यहाँ पे एक टमाटर डाला, तो उसका अब एक टमाटर का प्यूरी बनाएंगे तो ग्राइंडर में कैसा ही लगेगा। तो मैंने यहाँ पे उसको कट करके डाल लिया है। तो अभी हम इसमें डालेंगे थोड़े से छोले मसाले, और अभी हम थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे इसमें। अभी हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे बिल्कुल इस तरीके। आप देख सकते हैं ये जो पेस्ट है ये एक जगह इकट्ठा होने लगा है, तो इसका मतलब है कि अच्छे से भुन चुका है। और अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर, मैं यहाँ पे लिक्विड वाला फूड कलर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो वो फूड कलर पाउडर वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से हम मिक्स करेंगे इन सारी चीज़ों को। तो देखिए, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी मैं इसमें डालूंगी थोड़े से चिली फ्लेक्स, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था मैंने पेस्ट में मिर्ची थोड़ी सी कम ऐड की थी। तो अब इसके बाद मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला। इन सारी चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। चाट मसाला की जगह पे आप अमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने टमाटर डाला है तो मैंने चाट मसाला ऐड कर लिया। तो अब मैं इसमें डालूंगी मटर जो कि मैंने भिगा के रखा था ओवरनाइट, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिखाया था। और इसको डालने के बाद हम फिर से एक बार अच्छे से सारी चीज़ों को चला लेंगे बिल्कुल इस तरीके। तो इस तरीके हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से चलाएंगे। थोड़ा सा भून लीजिएगा, वैसे मसाले तो ऑलरेडी भुने हुए हैं, बट मटर भी इसके साथ मिक्स करने के बाद थोड़ा सा भून लेंगे हम, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो मटर उबालने में जो पानी कुकर में रह गया था वो भी हम इसमें यूज़ करेंगे। तो
तो ऐसे ही अगर आपने एक बार में ही मटर डाल दिया, धोया भी नहीं, तो फिर आप वो पानी मत यूज़ करिएगा। बट मोस्टली लोग धोते तो है ही, तो वो पानी हम यूज़ कर लेंगे। लेकिन वो पानी इसमें डालने से पहले हम इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे लिड से मीडियम फ्लेम पे। 5 मिनट हो चुके हैं, काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है, तो अभी हम निकाल लेंगे लिड को और इसको थोड़ा सा चलाएंगे बिल्कुल इस तरीके। तो अभी हम इसमें डालेंगे पानी, मटर वाला जो उबालने में यूज़ किया था उसको फेंकेंगे नहीं, सारा पानी इसमें डाल लेंगे और अच्छे से इसको चलाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, बस इसको थोड़ा सा पकाना है। छोला तो अभी से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा दिख रहा है। अभी हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो अभी हम इसको अच्छे से चला लेंगे, नमक डालने के बाद थोड़ा सा पकाएंगे इसको 2 से 5 मिनट लिड से ढक करके। 5 मिनट हम इसको पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर, लिड हटा लेंगे। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अच्छे से इसको चलाएंगे, ये देखिए हमारा जो छोला था वो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। तो अभी हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर लिया, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। मैं इसके ऊपर बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियाँ डाल लूँगी। अभी हम इसको सर्व कर लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमारा बिल्कुल यमी यमी और टेस्टी सा छोला, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और टेस्टी लग रहा है, बिल्कुल चटपटा सा, तो ये बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपने खुद भी देखा कितने इजीली हमने इसको बनाया। तो अगर आपको हमारी ये छोले की रेसिपी अच्छी लगी तो कर ले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।